हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या सरित अकेडमी। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। सो आगे डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, सो डिटर्मिनेंट्स कहाँ से डेवलप हुआ, ठीक है, वो हम इसको देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स डेवलप होता है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। हम स्टैंडर्ड कोई दो लीनियर इक्वेशन लेते हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल्स टू सी टू। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यार इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, राइट, बट फाइनली हमारे पास वैल्यू किसकी आती है, एक्स और वाई की। ओके, तो अभी अगर मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है तो कैसे करूँगा, समझो एलिमिनेशन मेथड लगा दूंगा यहाँ पे। तो ये आया ए टू, ये आया ए वन, सो ये तुम्हारा बन जाएगा भैया ए टू ए वन एक्स प्लस ए टू बी वन वाई इक्वल टू सी वन ए टू, और दूसरा आएगा ये ए टू ए वन एक्स प्लस ए वन बी टू वाई इक्वल टू सी टू ए वन, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, तो तुम्हारा आएगा ये ए टू बी वन वाई माइनस ए वन बी टू वाई इक्वल टू सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन। तो वाई की वैल्यू तुम्हारे पास याद आएगी, C1 A2 minus C2 A1 upon A2 B1 minus A1 B2। Similarly X की भी कोई ना कुछ वैल्यू आई जाएगी, बट मेरा मेन मोटिव आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ाना नहीं है, मेरा मेन मोटिव है आपका डिटर्मिनेंट्स पढ़ाने का है। तो ये डिटर्मिनेंट्स क्या चीज है, तो देखो डिटर्मिनेंट्स एक्चुअली होता क्या है, एक लिस्ट होती है नंबर्स की, है ना, जो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में आपको डिस्प्ले किया जाता है या प्रेजेंट किया जा सकता है। सो अभी अगर इसको आप देखो, तो अगर मुझे इसको एक ऐसे फॉर्म में लिखना है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है, तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा, ये लगाए मैंने दो डंडे, दिस इज डिटर्मिनेंट का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। यहां मैं लिख सकता हूं ए टू सी वन ए वन सी टू, ठीक है, और इधर मैं लिख सकता हूं ए टू बी वन और ए वन बी टू, तो इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू यही होगी, ठीक है। कैसे निकालनी है वैल्यू, बड़ा बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ये क्या है, ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू, ठीक है, ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू, वो चीज लिखी है। दूसरी चीज क्या है, ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू, ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू, तो सिंपल सी ये बात है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है डिटर्मिनेंट, इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है बेसिकली डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये डिटर्मिनेंट, इसमें आप देख रहे हो यार दो रोज दिख रही होंगी आपको, रोज मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल रोज होती है आपकी, हॉरिजॉन्टल वाली दीज आर कॉल्ड रोज, और कॉलम्स क्या होते हैं आपके, वर्टिकल वाले, कॉलम्स होते हैं आपके वर्टिकल वाले। और यहां आप देख लोगे यार दो रोज हैं, दो कॉलम्स हैं, तो दो रोज हैं, दो कॉलम्स हैं, तो मैं ऑर्डर बोल सकता हूं, एक नया टर्म आपके लिए डिफाइंड है ऑर्डर, ये डिटर्मिनेंट है ऑफ ऑर्डर टू, कैसे, टू क्रॉस टू, इसको टू इंटू टू नहीं बोलते, इसको टू क्रॉस टू बोलते हैं। मतलब क्या है इसका, ये है इसका नंबर ऑफ रोज, ठीक है, ये है इसका नंबर ऑफ कॉलम्स। सो नंबर ऑफ रोज आती हैं टू, नंबर ऑफ कॉलम्स आते हैं टू, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू। और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू की वैल्यू क्या होती है, ये जो हमने यहां पे निकाली है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक आपको इलस्ट्रेशन के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, से मुझे डिटर्मिनेंट 2758 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इट्स वेरी सिंपल, करना क्या है, यहां से यहां क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां से यहां क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 5, तो ये आया 16 माइनस 35 विच इज इक्वल्स टू आपका माइनस 19, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, माइनस 19। ओके, तो यहां हमने पढ़ा था व्हाट इज डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू के बारे में बातचीत की थी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री की। थैंक यू।